और अब खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से, जहां भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान ने एक मतदान केंद्र पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया, जिसको लेकर उन्होंने जिला प्रशासन से शिकायत भी की। और भाजपा प्रत्याशी का कहना है कि मुस्लिम बाहुल्य सुजड़ गांव के मतदान केंद्रों पर बिना आईडी जांच किए और साथ ही फर्जी तरीके से मतदान करवाया गया, वहां उनका कोई पोलिंग एजेंट भी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को जल्द से जल्द इस मामले की जांच करनी होगी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।